हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, ए लॉन्ग टाइम लव। ये उसका पार्ट 7th है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। एक्सॉर्सिस्ट वे लोग होते हैं जो कि भूत प्रेत और बुरी आत्माओं को बाहर निकालते हैं। ग्रिम रीपर वो पर्सन होते हैं या फिर क्रिएचर जो कि आफ्टर लाइफ को हैंडल करते हैं और सोल के साथ डील को देखते हैं। हम लोग वांगची को देखते हैं जिसके सामने शाओशिन चैन और शुयांग बैठे होते हैं। वांगची उनसे बोलता है फीन की यादें किसी तरह वापस लानी है। ये सुनते ही शाओशिन चैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांगची बोलता है क्या? शाओशिन चैन बोलता है लेकिन इतना सिंपल थोड़ी ना है, और हम कैसे ला सकते हैं? वांगची बोलता है जैसे वीन की आत्मा को इस टाइमलाइन में लाए हो। ये सुनने के बाद शुयांग और शाओशिन चैन एक दूसरे को देखते हैं। शाओशिन चैन बोलता है मैं तो एक, वांगशी बोलता है एक्सॉर्सिस्ट हूँ। शाओशिन चैन इस पर कुछ बोलना चाहता था कि नहीं, वह एक्सॉर्सिस्ट नहीं है, यह मेज है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि वांगशी उसे बिल्कुल कोल्ड आइस के साथ देख रहा था और उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाता। वांगशी बोलता है मुझे पता है, तो बेटर है कि झूठ ना बोलूं। फांगशी बोलता है वीन की डेथ के बाद मैं उसकी आत्मा को फील कर सकता था, इसलिए मैंने इमॉर्टल बनने का फैसला किया कि मैं उसका इंतज़ार करूँगा। लेकिन एक दिन सब बदल गया क्योंकि उसकी आत्मा भी फील होनी बंद हो गई। मुझे लगा उसकी आत्मा भी नष्ट हो चुकी है, और वह शाओशिन चैन को देख रहा था जो कि नर्वस फील कर रहा था। मुझे नहीं पता कि तुमने वींग से क्यों कहा है कि तुम एक मेज हो, लेकिन अब तुम दोनों हेल्प करोगे उसकी यादें वापस लाने में। शाओशिन चैन बोलता है लेकिन फिर भी ये चीज़ इतनी आसान थोड़ी ना है, उसके लिए भी मुझे इससे डील करनी पड़ी। और वह शुयांग की तरफ इशारा करता है, और इसके बदले न जाने मुझे कितने लोगों को मारना पड़ा इसके लिए। शुयांग बोलता है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सब कुछ याद आने के बाद वो आपको छोड़ सकते हैं। इसके बाद जिस हिसाब से वांगशी उन दोनों को देख रहा था, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वांगशी क्या सोच रहा है। शुयांग बोलता है मुझे नहीं पता कि आपके बीच क्या हुआ है, लेकिन अगर उन्हें कोई फोर्स आपकी तरफ आने से रोक रही है तो डेफिनेटली कुछ गलत भी तो हुआ होगा, तो बस मैंने इसी बेसिस पे कहा। शाओशिन चैन बोलता है अगर मैं फिर भी बोलता कि मैं एक मेज हूँ, वांगशी बोलता है फिर मैं तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से निकाल देता। शाओशिन चैन बोलता है क्या, और वह जल्दी से शुयांग को पकड़ लेता है। शुयांग बोलता है मिस्टर लैन। ये तीनों इधर बात कर रहे होते हैं, इधर दूसरी तरफ वींग की आंखें खुलती हैं। जब वींग की आंखें खुलती हैं, वह चारों तरफ अपने फेस को घुमाकर देखता है कि आखिर वह कहाँ है। वींग देखता है कि वह एक अनजान जगह पर है, और एकदम से वींग चिल्ला पड़ता है कि शायद वो किडनैप हो गया है। इसके बाद वह सोचता है कि किडनैपर तो बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन उसे किसी बेसमेंट जैसे जगह पर क्यों नहीं रखा, इतना सुंदर से रूम में क्यों रखा है। फिर से याद आता है कि आखिर जंगल में क्या हुआ था। उसकी आवाज़ सुनते ही युआन एकदम से रूम में आता है। युआन वींग को देखता है क्या आप ठीक हो? वींग युआन को देखता है ओ मैं ठीक हूँ, मुझे एक पल के लिए लगा मैं किडनैप हो गया। युआन बोलते है क्या? इतने में ही वांगची, शुयांग और शाओशिन चैन तीनों ही रूम में आ जाते हैं। वांगची आकर एकदम से वींग को गले लगा लेता है, तुम ठीक हो, क्या हुआ? वींग अलग होता है, मिस्टर लैन मैं ठीक हूँ। इसके बाद वह शुयांग और शाओशिन चैन को देखता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शाओशिन चैन बोलता है वींग हम लोग तुम्हारी हेल्प करने के लिए हैं। वींग उन्हें क्वेश्चन लुक के साथ देखता है। शाओशिन चैन बोलता है तुम्हारे साथ ये जो सभी कुछ हो रहा है या जो तुम जानना चाह रहे हो इसमें इस पर वींग कोई आंसर नहीं करता, बस उन्हें देख रहे होते हैं। वींग बोलता है कैसे? शाओशिन चैन बोलता है मैं एक एक्सॉर्सिस्ट हूँ और ये क्रीम रीपर, हम दोनों एक बार ट्राई कर सकते हैं लेकिन तुम्हारी परमिशन चाहिए। वींग बोलता है ओके। ये सुनते ही सभी वींग की तरफ देखते हैं। वींग बोलता है क्या? शाओशिन चैन बोलता है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिंग बोलता है मुझे बस आंसर जानने हैं, और रही बात मैं हैरानी चाहता हूँ कि तुम एक एक्सॉर्सिस्ट हो तो ये बात मुझे पता है।
शौशिनचैन बोलता है, कब से? फिंग बोलता है, तुम्हें क्या, मैं इतना पागल दिखाई देता हूँ कि मुझे अंतर भी ना पता चले एक मेज और एक एक्सोर्सिस्ट में, जस्ट बिकॉज कि दोनों ही स्पेल करना जानते हैं। शौशिनचैन बोलता है, हमें तुमसे झूठ नहीं बोलना था, लेकिन बस हमने किसी रीज़न से बता नहीं पाए। और फिर हम वेट कर रहे थे कि जब तुम 18 साल के हो जाओगे, उसके बाद जब तुम अपने पार्टनर को फील कर सकोगे, जैसे हर विज़ार्ड करता है। विंग बोलता है, और मैं उसे फील 15 साल की एज से करता हूँ। शौशिनचैन बोलता है, क्या? विंग बोलता है, तुमने सही सुना। और वह वांगशी की तरफ देखता है, मैं 15 साल की एज से ही इन्हें महसूस करता हूँ, लेकिन मैं मिलकर भी मिलना नहीं चाहता था, पर अब मुझे इन सारी चीज़ों के आंसर चाहिए। शुएंग बोलता है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद तुम्हारी आत्मा वहाँ से यहाँ लाई गई है। फिंग बोलता है, क्या? उसे कुछ समझ नहीं आया था। और शौशिनचैन शुएंग को गुस्से में घूर कर देखता है। फांगशी बोलता है, विंग, हम ट्राई करेंगे और तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। फिंग बोलता है, अभी? शौशिनचैन बोलता है, नहीं। फिंग बोलता है, क्यों? फांगशी बोलता है, क्योंकि पहले तुम्हें शांत होना ज़रूरी है। हम कल करेंगे। वो टाइम भी आ जाता है जब विंग को उसके पास्ट लाइफ के बारे में याद करना था। शौशिनचैन विंग को आराम से बेड पर लेक जाने के लिए बोलता है। विंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। शौशिनचैन बोलता है, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करो, सांस को अंदर और बाहर छोड़ो और बिल्कुल शांत हो जाओ। इसके बाद वांग जी, शौशिनचैन और शुएंग तीनों ही विंग से अपने आप को कनेक्ट करते हैं और विंग बिल्कुल एक गहरी नींद में पहुंच जाता है। विंग को फील होता है कि मानो वह किसी गुफा में जा रहा हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, और वहां से वह रोशनी की तरफ जाना चाहता हो। इसके बाद धीरे धीरे विंग को काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आने लगती हैं, किसी के हंसने की, बोलने की, काफ़ी सारी। इधर वांग जी विंग का ध्यान रख रहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो वह तुरंत विंग को वापस बुला सके। फिंग को एक दरवाज़ा दिखाई देता है जहाँ से उसे लगता है कि उसे रोशनी मिलेगी। फिंग उस दरवाज़े के पास जाता है, उसे खोलता है और उसमें एंट्री करता है। इसके बाद फिंग उसी चीज़ का पार्ट बन जाता है। अब फिंग को देखते हैं जो कि बाज़ारों में नियोसेंग के साथ ऐसे ही घूम रहा था, मस्ती करते हुए और लोगों को परेशान करते हुए। तभी विंग को मैसेज आता है कि वह अपने घर जल्दी आ जाए, उसके फादर ने बुलाया है। जैसे ही विंग घर पर जाता है, वह देखता है कि उसके फादर उससे कुछ बात करना चाहते हैं। विंग को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। विंग को इसी बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसके फादर ने उससे बिना पूछे उसकी शादी तय कर दी। विंग इस चीज़ के लिए मना कर रहा था, लेकिन उसके फादर नहीं मान रहे थे। विंग बोलता है, सीरियसली, आप सब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन उसके फादर ये कहकर चले जाते हैं कि विंग को ये शादी करनी ही होगी। विंग गुस्से में अपने रूम में जाता है, उसके पीछे उसकी मदर भी आती हैं। उसकी मदर विंग को बुलाती हैं, विंग, विंग बोलता है, उनके और भी तो बच्चे हैं ना, वह उन्हें फोर्स कर सकते हैं ना, मैं सिर्फ 17 साल का हूँ और मैं वेट करना चाहता हूँ अपने फेक एक पार्टनर का। विंग की मदर बोलती हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, ये एक रॉयल ऑर्डर है। विंग बोलता है, लेकिन मेरी मर्जी नहीं है, तो ये चीज़ गलत है, आप मुझे फोर्स कर रहे हो, और मैं एक अल्फा हूँ, कुछ तो सोचो मदर। विंग की मदर बोलती है, वहाँ शादी कर लो विंग। विंग बोलता है, मदर, फांग जी हमेशा मास्क पहने रखता था, इसलिए किसी ने उसे देखा नहीं था। उसके बारे में अफवाह थी कि वह काफ़ी ज़्यादा अगली है और मॉन्स्टर की तरह दिखता है, इसलिए शायद वो मास्क पहनता है। फांग जी ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता। फांग जी को उसकी मदर ने इतना बता दिया था कि उन्होंने उसकी शादी तय कर दी है, और इससे ज़्यादा फांग जी को और जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो लड़का है या लड़की है या फिर वो कौन है। अब विंग को ब्लू मैनर जाना था जहाँ पर वांग जी रहता है। विंग जाने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन विंग सोचता है, हम मेरा आने का कोई इरादा नहीं कर रहा, क्योंकि आप सब उस चीज़ की डिमांड कर रहे हो जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। अब विंग जा तो रहा होता है, लेकिन पूरे रास्ते वांग जी को कर्ज कर रहा होता है। वो सोचता है, कैसा होने वाला हस्बैंड है ये, मुझे लेने भी नहीं आ सकता। इसके बाद वह सोचता है, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, और वो इसमें क्या ही कर सकता है।
अब विंग उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद भी वह वांगशी के बारे में ही सोच रहा था कि सीरियसली उसे एक बार तो आना चाहिए था। विंग चारों तरफ देखते हैं, उसे कोई दिखाई नहीं देता। विंग सोचता है यहाँ कोई रहता नहीं है क्या भाई, अब यहाँ पे क्या होगा, इतनी शांति, इतनी शांति जिसकी आदत विंग का तो बिल्कुल भी नहीं थी। विंग उसके अंदर एंट्री करना चाहता था, लेकिन एंट्री करे कैसे। लेकिन विंग किसी तरह दिमाग लगाकर अंदर पहुंच जाता है। विंग देखता है कि ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति है। अगर किसी को शांति पसंद है तो ये जगह बिल्कुल उसके लिए बनाई गई है। न यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। विंग चारों तरफ घूमने लगता है और वह एक पॉन्ड के पास पहुँच जाता है जिसमें एक पर्सन नहा रहा होता है। विंग को पीछे से उसकी बैग दिखाई देती है। पीछे से उसकी बैग को देखकर विंग सोचता है वाओ क्या बॉडी है इसकी, पीछे से भी काफ़ी अच्छी लग रही है। फिर वह अपने सर को हिलाता है कि आखिर वह क्या सोच रहा है। विंग का मन कहता है कि एक बार मुझे उसे देखना है, लेकिन उसके बाद विंग सोचता है यही चीज़ गलत नहीं होगी और ये पक्का वांगशी तो होगा नहीं। सर इसकी बॉडी तो देखो कितनी अच्छी है, डेफिनेटली फेस भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होगा। जैसे ही वह मुड़ता है उसके सामने एक आदमी होता है, उसे देखते ही विंग चिल्ला पड़ता है। वह पर्सन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। विंग सोचता है पक्का यही लान वांगशी होगा। विंग बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आई। वह पर्सन बोलता है चोरी छुपे तुम उन्हें देख रहे हो, मुझे क्यों शर्म आएगी। विंग बोलता है तुम्हारी वजह से यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं। वह पर्सन बोलता है मेरी वजह से कैसे। इन दोनों की आवाज़ सुनते ही वांगशी भी वहाँ पर आ जाता है और वह इन दोनों को देख रहा था। विंग ध्यान नहीं देता कि वांगशी उनके पास आकर खड़ा हो गया है। विंग उस पर्सन से बोलता है हाँ तुम्हारी वजह से, तुम्हें अपने हस्बैंड को एटलीस्ट लेने तो आना चाहिए था, लेकिन नहीं तुम्हारे पास तो इतना भी टाइम नहीं था। वह पर्सन बोलता है कौन सा हस्बैंड। विंग बोलता है वाओ अगर शादी नहीं हुई तो एटलीस्ट तुम्हें मुझे फिर भी लेने आना चाहिए और मैं तुम्हारा हस्बैंड ही कहलाऊंगा क्योंकि हमारी शादी होने वाली है। वह पर्सन बोलता है कब हो रही है मेरी शादी। विंग बोलता है ओ सेकंड प्रिंस लान वांगशी, मुझे नहीं पता था कि आपकी आदर्श इतनी बेकार है। अब वांगशी बिल्कुल उनके पास आ जाते हैं। वह पर्सन वांगशी को ग्रीट करता है सेकंड प्रिंस। विंग वांगशी की तरफ मुड़ता है, वह देखता है कि एक हैंडसम सा पर्सन खड़ा है वहाँ पर। विंग उस पर्सन से बोलता है ये लान वांगशी है सेकंड प्रिंस। वह पर्सन हाँ में सर हिलाता है। विंग बोलता है तुम वांगशी कैसे हो सकते हो, तुम तो अच्छे दिखते हो। वांगशी विंग को ऊपर से नीचे तक पूरा देखता है, आखिर ये है कौन जिसने इतना शोर मचा कर रख रखा है। विंग बोलता है सेकंड प्रिंस लान वांगशी ऐसे क्या देख रहे हो, अगर हमारी शादी तय हो गई है तो एटलीस्ट आपको मुझे लेने तो आना चाहिए था ना, पूरे रास्ते मैं खुद आया हूँ। हालांकि मुझे प्रॉब्लम नहीं आने में, पर कम से कम आपको फिर भी मुझे लेने आना चाहिए था। वांगशी बोलता है तुम अंदर कैसे आए। विंग वांगशी की तरफ देखता है वो मैंने मैनेज कर लिया, अंदर आना भी और यहाँ आना भी, और आप मुझे इस तरह से क्यों पूछ रहे हो तुम अंदर कैसे आए, ये भी पूछना चाहिए तुम्हें तुम यहाँ तक कैसे आए, तुम्हारी जर्नी ठीक रही या नहीं। वांगशी सोचता है ये कितना बोलता है, इसका फेस अच्छा हो सकता है लेकिन इसका बोलना किसी के कान खा सकता है। और वांगशी विंग के ऊपर साइलेंस स्पेल कर देता है और विंग अब कुछ बोल ही नहीं पाता। विंग देखता है ये उसके साथ क्या हो गया है। विंग बोलने का ट्राई करता है, जब बोल नहीं पाता वांगशी को गुस्से में देखता है। वांगशी उस पर्सन को ऑर्डर देता है कि इसे रूम में ले जाओ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।